अच्छा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है प्रतिक्रिया, जिसपे हम देते हैं प्रतिक्रिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है चैंग के बारे में। और चैंग जो है कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका नाम हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है शायद, या फिर वो जो बातें लिखते हैं उसकी वजह से वो काफी सुर्खियों में रहते हैं। और उनके गाने भी इतने अलग किस्म के होते हैं कि कुछ लोगों को भाते हैं, कुछ लोगों को नहीं भाते हैं, उस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है हमेशा से। सो आज ये देखते हैं उनका सॉन्ग जो है चैंग का, जिसका नाम है, जिस वीडियो का नाम है, ऑफिशियल वीडियो का नाम है पाकिस्तान। सो ये गाना बेसिकली पाकिस्तान के जो लोग हैं, जहाँ का कल्चर है वहाँ पे वो गाना डिपेंड है उसके ऊपर। और ये गाना लिखा है चैंग ने, क्योंकि वो चैंग जो है सो चैंग एक उर्दू रैपर है, और वो काफ़ी इससे पहले भी काफ़ी सारे उनके हिट सॉन्ग्स वो दे चुके हैं हम लोगों को। सो देखते हैं आज का ये गाना। इससे पहले ये गाना एक्चुअली 2 ईयर्स पुराना है, लेकिन काफ़ी अलग सा है, काफ़ी सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग देखेंगे। मेरे को ना हमेशा सेंसिटिव टॉपिक ही मिलते हैं बात करने के लिए, पता नहीं क्यों, जिससे ना मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती है ना वही टॉपिक मिलते हैं यार, पता नहीं क्यों। मेरे मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कोई भी दुनिया में इबादत के लायक नहीं, सजदे के लायक नहीं अल्लाह के अलावा पर अल्लाह। इधर दूर दूर तक देखे ना मैं ढूंढूं लोगों के दिलों में, उधर भी मिले ना यकीनन हमारा रब। हम सबसे नाराज तभी मुसलमानों का मुल्क ही मुसलमानों पे अजाब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जन्नती फरिश्ता, कोई पर हर बंदा करे औरतों की बकवास, वही इसको तू सच कर उसका जिस्म तो चेक कर, नंबर ले टेक्स्ट कर, ट्विटर में जाकर सेक्स कर। आजकल की नस्ल नशों में परेशान सी, औरत और शोहरत के पीछे बीमार सी, और वालदैन भी तंग औलादों की तबीयत से, माँ बाप को पता नहीं कि गलती उनकी तरबियत में। पुराने पाक नमाजें अरबी में रखी, तर्जुमे के बगैर इस्लाम तक समझ जाएगी। मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ, वरना सब तोड़ा पकड़ के कहोगे कुरान की बातें गानों में करना। क्या बात हो गई, तुमने ये लिपस्टिक क्यों लगाई, ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? हाँ भाई, इतनी दिन से बात है, क्या मुस्कुराते हो? जल्दी होना चाहिए जिंदगी आराम कर, सास को खुश रखो, नंद को खुश रखो, मियां को खुश रखो, बच्चे को खुश रखो, वो भी तो कुछ है। मेरे मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पर इस मुल्क में अजीब सा नया खेल शुरू, शोर और बीवी के बीच में तलाक या खुला करना। शोर सोचे अपने बाप की तरह कि मैं बीवी को मार के दिखाऊंगा मर्दान भी, और बीवी सोचे अपनी माँ की तरह के पिटे पिटे कि मैं नहीं गुजारूंगी जिंदगी। अफसोस मुसलमान माँ बाप पे अपना सबसे ज्यादा जरूरी फर्ज निभा नहीं पाए, वक्त पे निकाह नहीं, सबसे जरूरी पैसा, चाहे मेरी औलाद जिला में पड़ जाए जहेज, वो लड़का अंग्रेज घर या गाड़ी स्टेटस की लग गई, बड़ों को बीमारी, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या सोचेंगे, ईमान इनके इतने कच्चे काफिरों को भी हैरान। ला इलाहा इल्लल्लाह, पर इस मुल्क को नवाज शरीफ और जरदारी जैसे चोर लुटेरों ने लूटा खुल्लम खुल्ला, और जाहिर सी बात है ऐसे जाहिल से हुक्मरान आएंगे जब अनपढ़ जाहिल लोग ही वोट देंगे। हम जैसे मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग बस रो रो के फेसबुक पे पोस्ट देंगे। किस किस को तो भाइयों का याद है जिन्हें खुलेआम
आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा दोबारा ठीक हो जाएगा, लेकिन चौपट खाने में आपने मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मैं किया नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा घर मिल गया, मेरे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है जिनसे मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और सर मैंने दिल से किया था जब आप मेरे सामने आए थे कि आपके कदम छोड़ दूँ। I feel very privileged to be here with all of you this evening, and in particular with Mr. Imran Khan, in an effort to put up a hospital which, as he has himself said, will go to help those who are going to be without means. I'm honored to be here with you, Mr. Imran Khan, and I'd like to say that if in the future there is any effort where you will require my help, I shall certainly be there. ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा लेकिन हम सब के लिए अच्छा होगा। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों इसमें, और मेरे दिल भी कहता है कि आप कामयाब होंगे, इसलिए क्योंकि आप कई सालों से इसमें लगे। जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी इलेक्शन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, और मैं बहुत सारे इंडियंस को लेकर आऊंगा अपने साथ। इस साल तक मैं अपने बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकूंगी, लेकिन ये इमरान खान का कमाल है कि आज मेरा बेटा माशाल्लाह आज ग्रेजुएट हुआ है, और इससे पहले वो जॉब कर रहा है, 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पर इस मुल्क को खरीद लिया कई मुल्कों ने, तब ये मीडिया इमरान खान का पकड़ेगा ला। ये जो अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा कि जो वीडियो का नाम है पाकिस्तान, एक ऑफिशियल वीडियो है जो भी हम लोगों ने देखा, तो भाई ये वीडियो देख के मेरा सिर ही चकरा गया। मैं क्या ही रिएक्ट करूँ क्योंकि वीडियो के बीच में जितनी सारी चीज़ें मैंने देखी, और जो इमरान खान हैं उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें की, कि जो कुछ भी अभी हम लोगों ने देखा वीडियो के बीच में। एक्चुअली मैं पर्सनली इमरान खान जो है उनको जानती नहीं हूँ, मैंने अभी तक उनका एक भी वीडियो नहीं देखा है, उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसा इन्होंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, इसके बाद मैं ज़रूर उस शख्स को, उस इंसान को जानना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना सब किया। और ये सारी जो चीज़ें उसमें बताई गई है, जैसे उन्होंने बोला है पाकिस्तान मेरा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ऐसा उन्होंने उसमें बयां किया है, तो इसको एक निगेटिव वे में ना लेते हुए पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई है अभी जो समाज में चल रही है, तो बहुत कम लोगों के अंदर भाई ये गट्स होते हैं कि भाई सच बोले, और वो ऐसे बोल रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात है। और जहाँ से एक पाकिस्तानी टेलीविजन पे एक डिवोर्स का सीन चल रहा है, जैसे उन्होंने उस सॉन्ग में जिक्र किया है कि वो जो मर्द है उसको लगता है कि मैं मेरे पापा के जैसे मेरे जो बीवी है उसको मारूंगा, उसको टॉर्चर करूंगा और मेरी मर्दानगी साबित करूंगा, लेकिन एक तरफ एक औरत है, उनकी पत्नी है, जो चाहती है कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्होंने मेरे साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करना चाहिए, उन्होंने मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए, मैं मेरी मम्मी की तरह जो है वो पूरा मार वगैरह खाकर सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। ये एक्चुअली दो लोगों की मेंटालिटी जो है उस शो में दिखाई गई है, और बातों से उनकी प्रेजेंट समझ में आता है कि वो दोनों किस दौर से गुजर रहे हैं और उनकी क्या क्या मेंटालिटी है, क्या क्या सोच है एक दूसरे के बारे में, तो वही उन्होंने प्रेजेंट किया है इस सॉन्ग में। तो मैं पहले तो बहुत बहुत चैन को मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो हमेशा से ऐसे वीडियोस बनाता है, और जहाँ से वीडियो की स्टार्ट होती है, तो एक्चुअली जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, जैसे पाकिस्तान का फ्लैग हो गया जो ज़मीन पे गिरा हुआ उन्होंने बताया, जो उनके बाद में उनके हाथ में भी बताया पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह, और बाकी जो वीडियो के बारे में देखा जाए तो सिर्फ वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे वो लिख रहे हैं, और एक ऐसे बेसमेंट में शायद वीडियो शूट किया गया है, बहुत उन्होंने ऐसे
बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा ये था वो था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो ओरिजिनलिटी है उन्होंने सॉन्ग से प्रेजेंट की है। और ये जो वीडियो है इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि चैन जैसे जो रैपर्स हैं इनकी बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को, क्योंकि वो ऐसे सच्चाई लिखते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई, जो लोग होते हैं जो सच्चाई को लेके आगे चलते हैं ना, लोग हमेशा उनके मुंह पर कीचड़ बोलते हैं। तो ऐसा ही इनका एक किस्सा है चैन का, कि वो ये सारी जो सच्चाई उन्होंने लिखी है पाकिस्तान के बारे में कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गलत सारी चीज़ें हैं उनको बंद किया जाए, वो गलत सारी चीज़ें हम छोड़ के आगे बढ़े, इस हिसाब से उन्होंने वीडियो बनाया। तो प्लीज़ निगेटिव वे में ना ले। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही चैन को सपोर्ट करते रहे। मैं फिर हाजिर हूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ के लिए। तब तक अलविदा।